हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइफ, आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत हमेशा अपनी फिल्मों से ज्यादा बोल्ड इमेज और स्टेटमेंट के कारण चर्चाओं में रहती हैं। भले ही मल्लिका पिछले काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हो, मगर सुर्खियों में वे हमेशा ही बनी रही हैं। कम ही लोग जानते हैं कि मल्लिका शेरावत के परिवार के लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। मल्लिका ने हाल ही में बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने पिता के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया और अपने पिता को लेकर उन्होंने कई खुलासे भी कर दिए। तो मल्लिका शेरावत हरियाणा की एक काफ़ी कंजर्वेटिव जाट फैमिली में पैदा हुई थी। उनके परिवार में मल्लिका को मॉडलिंग या फिल्मों में जाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। मल्लिका ने कहा कि उनके पिता को ऐसा लगता था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो उनकी फैमिली का इससे नाम खराब हो जाएगा, और इसीलिए वे उन्हें मना करते रहे। कम ही लोगों को पता होगा कि मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा था। जब मल्लिका ने फिल्मों में आने का प्लान बनाया था, तब उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था। मल्लिका का फिल्मों में आने का उनके परिवार ने विरोध किया, तो उन्होंने अपना सरनेम लांबा से हटाकर शेरावत कर दिया। दरअसल मल्लिका की मां सरनेम शेरावत है, और उनकी मां के सपोर्ट को देखते हुए उन्होंने पिता का सरनेम हटाकर मां का सरनेम यानी शेरावत यूज़ करना शुरू कर दिया था। मल्लिका शेरावत के फिल्मों में काम करने के फैसले पर उनके पिता बहुत नाराज हुए। मल्लिका ने बताया कि उनके पिता ने कहा था कि ये फिल्मों में जाएगी, परिवार का नाम खराब करेगी, और मान लीजिए कि हमारे लिए फिर ये मर चुकी है और हमारी फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जब मल्लिका के पिता ने उन्हें डिसोन करने की बात कही, तो बदले में उन्होंने जवाब दिया था कि मैं तुम्हारा नाम ही डिसोन करना चाहूंगी, तुम क्या मुझे डिसोन करोगे। ये बात मल्लिका ने अपने पिता से कही थी। हाँ, आप मेरे पिता ज़रूर हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ का सरनेम अब इस्तेमाल करना चाहूंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मल्लिका शेरावत ने फिल्म ख्वाहिश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ हिमांशु मलिक ने काम किया था, और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा किसिंग सीन भी थे। इसके अगले साल मल्लिका की फिल्म मर्डर रिलीज़ हुई थी, जिसमें इमरान हाशमी के साथ उनके बोल्ड सीन ने तहलका मचा दिया था। इसके बाद मल्लिका ने प्यार के साइड इफेक्ट, वेलकम बैक और कई तरह की फिल्मों में काम किया, और इसके अलावा उन्होंने द मिथ और हिस जैसी सीरीज़ में भी काम किया। इन सारी फिल्मों में नज़र आने के बाद मल्लिका के बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें वो जल्दी ही नज़र आएंगी, और मल्लिका अब जो है अपने पास्ट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी खुल के बात करती नज़र आती है। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।